Excuse me. Yes? Hi, Sanju. Hi. Oh. Pehchana. Hey, Anjali, yaar. Yaad nahi hai? Wo apni professor thi na college ki history ki, Mrs. Veena, unki beti. Usko to basketball court se seedha movie le gaya tha. Ab yaad aaya tere ko. और उसके बाद प्रिंसिपल ने तुम दोनों को कॉलेज से रेस्टिकेट भी तो कर दिया था। हाय, तुम तो बिल्कुल नहीं चेंज हुई हो। आई मीन, पहले से और भी खूबसूरत हो गए। अब याद आया, है ना? थैंक्स यार, पर तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए। पहले भी हैंडसम थे और अभी भी। नीति भाभी, अबे, सो तुमने खाना खाया? खाना खाया? मेरे से पूछा? सो यहाँ कैसे? मतलब तुम चंडीगढ़ में कैसे? संगीत मेरा है, मैंने बुलाया। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। हम दोस्त हैं। याददाश्त इसकी थोड़ी है। हेलो, हाँ जी मम्मी। नीति पुत्र, तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप क्यों मेरी इतनी टेंशन लेते हो? सॉरी नीति, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। पुत्र, जब तू माँ बनेगी ना, तब समझेगी एक माँ का दिल क्या होता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है। माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, अब प्लीज मेरी टेंशन मत लिया करो इतनी। अच्छा बता, संजू कहाँ है? तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है, संजू के साथ एक फंक्शन में आई हूँ आज मैं। हम दोनों बहुत खुश हैं, इसलिए प्लीज टेंशन मत लिया करो। अब नहीं लूंगी, जो सुनना था वो सुन लिया। अच्छा तू जा, संजू तेरा इंतजार कर रहा होगा ना, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, चलो आपसे कल बात करती हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके? हाँ, और तू भी मेरी इतनी चिंता मत किया कर। ऐसे कैसे चिंता ना करूँ, बेटी हूँ आपकी, पूरा हक है मेरा। एनीवे, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेते रहना आप, ठीक है? चलो रखती हूँ, बाय। हाँ पुत्र, बाय। मम्मी भी ना। ओए पटाका, मैं भी तुझे देखे ऐसे ही चौंक गई थी, मुझे लग ही रहा था कि तू भी इसी संगीत में। हाँ, जिसका ये संगीत है ना, संजू का दोस्त ही है। बट तू बता, तू यहाँ कैसे? वो नताशा है ना, हाल फिलहाल में उसी के साथ पहचान हुई, तो उसी ने इनवाइट किया। ये तो बड़ा मजा आएगा ना यार इस संगीत में। वैसे राजीव कहाँ है? नहीं यार, वो तो नहीं आ पाए। नहीं आ पाए? एक्चुअली मैं और राजीव जब फंक्शन के लिए निकल रहे थे ना, तब उनके दोस्त का फोन आया और पता चला कि उसका तो ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो उसे समझाने के लिए गए। अरे, तुझे लगता है कि राजीव तुझसे सच बोल कर गया? कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं ले गया ना उस फंक्शन में? पता नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे राजीव सच ही बोल रहे हैं। सॉरी यार, एक तो ना मुझे तेरे राजीव पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। सॉरी तुझे बुरा लगे तो। अब कैसी बात कर रही है, मुझे तेरी बातों का कब से बुरा लगने लगा? अच्छा परी, मैं क्या कह रही हूँ कि जब तक तू 100% श्योर ना हो जाए कि राजीव का कोई चक्कर नहीं है, तब तक प्लीज यार उस पे इतना भी भरोसा मत कर, थोड़ी नजर रखना उस पे। वैसे तू तो आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, संजू की नजरें तो बिल्कुल नहीं हट रही होगी, है ना? आ जाओ उससे मिलते हैं, अब चल। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अरे संभल के। परी, वो देख संजू। चल आजा, मिलते हैं उससे। देखा तो कौन आया?
हुआ मिशिका रानी को? नीनी नहीं आ रही है बच्चा? जब तक परी चाची मुझे नहीं सुलाएगी तब तक मैं नहीं सोऊंगी। बेटा परी चाची को थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप आज मुझसे स्टोरी सुन लो। नहीं, मैं सिर्फ स्टोरी परी चाची से सुनूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो आज आपको वो स्टोरी सुनाने वाली थी जिसमें आपकी परी चाची और राजीव चाची दोनों एक साथ है। कोई बात नहीं, अगर आपको मुझसे स्टोरी नहीं सुननी है तो ठीक है, मैं जाती हूँ। सच्ची में उस कहानी में राजीव चाचा परी चाची है? हाँ सच्ची में। तो प्लीज आप मुझे स्टोरी सुनाओ ना, मैं परी चाची से स्टोरी बाद में सुन लूंगी। ठीक है। तो पता है आपको, ऐसा होता है कि एक बार एक राजा होता है, उसकी दो बीवियां होती है। तो जो पहली वाली बीवी होती है वो इस साइड रहती है और दूसरी वाली ऊपर रहती है। वो दोनों से ना बहुत प्यार करता है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि अरे वाह संजू, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो इस मास्क में। ये परियां क्या कर रही है? इसको यार किसने इनवाइट किया? कहीं ये मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आई यहाँ? ये नीति को कुछ बोलना दे। हाय संजू, कैसे हो तुम? संजू क्या हुआ, क्या सोचने लगे? तुम कब से इतने शर्मीले हो गए? हाँ संजू से हाथ मिलाकर ऐसे अजीब सा क्यों लग रहा है? ओए अब तो कहाँ हो गई, क्या हुआ? अब नहीं नहीं कुछ नहीं। So the lovely couples, अब टाइम आ गया है पार्टी को आगे बढ़ाने का, संगीत की महफिल को जमाने का। So, are you ready? Yes! So please, come on the dance floor! अरे यार मुझसे तो बिना जूस पे डांस ही नहीं होगा। एक काम करो संजू, परी तुम दोनों जाके डांस स्टार्ट करो, मैं आती हूँ। नीति तू आजा, फिर साथ में चलते हैं ना। Come on यार परी, तुम दोनों जाओ ना। अब मैं ज्वाइन करती हूँ, जूस पी के आती हूँ ना यार। जाओ जाओ जाओ। डीजे प्लीज संजू एंड परी का नाम अनाउंस कीजिए ना डांस के लिए। नीति जाओ जाओ जाओ। So everyone, give it up for Sanju and Pari. जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये परी यहाँ क्यों आई है, इसको किसने बुलाया है, तब तक चैन नहीं पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्या हुआ? राजकुमार को ना दोनों लड़कियां पसंद थी, तो राजा ने बोला कि राजकुमार के ना दो टुकड़े कर दिए जाए और दोनों लड़कियों को ना एक एक टुकड़ा दे दिया जाए। ये सुनकर जो नई वाली राजकुमारी है वो तो चुपचाप रही, लेकिन जो पुरानी वाली राजकुमारी है ना वो ना रोने लगी। कहने लगी कि प्लीज 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 ऐसा मत करो। मेरी चाची वो रोने क्यों लगी? इसलिए क्योंकि अगर राजकुमार के दो टुकड़े किए जाएंगे फिर तो राजकुमार जिंदा नहीं रहेगा ना, इसलिए। तो जो पुरानी वाली राजकुमारी थी ना उसने राजा से बोला कि महाराज आप चाहे तो ये राजकुमार ना नई वाली राजकुमारी को दे दो। तो बोलने लगी कि प्लीज 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 राजकुमार के दो टुकड़े मत कीजिए प्लीज। अच्छा तो बताओ मुझे इस स्टोरी में राजकुमार को कौन सी राजकुमारी ज्यादा डिजर्व करती है? हाँ, पुरानी वाली, क्योंकि पुरानी वाली राजकुमार से बहुत प्यार करती थी, तभी तो उसने राजा से जाके राजकुमार की जान बचा ली। करेक्ट। तो स्टोरी का मोरल ये है कि जब आप किसी से इतना प्यार करते हो ना तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो। जैसे 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 आपकी राजीव डॉल और परी डॉल एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। चलो ठीक है, अब स्टोरी खत्म, अब सो। चलो लेटो, आओ नीचे आओ। आज मुझे परी को सब कुछ बता देना चाहिए। परी भले ही कितनी अच्छी हो लेकिन प्यार में केवल नीति से करता हूँ। ये सच जितनी जल्दी परी को पता चल जाए उसी में हम सबकी भलाई है।
परी भी ना गले की घंटी बन गई है मेरे। जहां जाता हूं वहीं साथ चिपकी रहती है। अब ना मास्क उतार सकता हूं ना और कुछ। इतना समझा के आया था इसे, फिर भी ये मेरा पीछा करते हुए यहां आ गई। क्या करूं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि क्या हुआ है? बता तुम, चलो। अरे संजू, संजू, संजू बात क्या है? क्या कर रहे हो तुम? ये संजू को अचानक क्या हो गया है? इतना गुस्सा, अजीब है। डांस कर रहा था तब भी कुछ अजीब सा ही लग रहा था मुझे, और अब नीति को ऐसे लेके चला गया जैसे कोई जबरदस्ती ले जाता है। नीति ने तो बोला था कि संजू ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की है, तो अब सबके सामने ऐसे अजीब हरकत क्यों कर रहा है? परी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अच्छे से समझ लो। वो मेरे घर भी आएगी और मेरे साथ भी रहेगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, और अगर रोकने की कोशिश की ना मैं रुकूंगी नहीं। कंट्रोल संजू, कंट्रोल। ये नीति है, परी नहीं। इस पे हावी होने से या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा तुझ पे चिल्लाने लगेगी ये। नीति, 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 नीति। मुझे कुछ नहीं सुनना और परी के बारे में तो कुछ नहीं सुनना। अच्छा मेरी मेरी बात सुनो। देखो मुझे मुझे ना परी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उसके यहाँ पे आने से। अब शादी के बाद हमें कुछ टाइम तो मिला है साथ रहने का, अब उसमें परी आ जाएगी तो हम लोग साथ कैसे रहेंगे? मैं चाहता था कि आज की शाम बस मैं और तुम हो और कोई भी नहीं। तो ये बात आराम से भी तो हो सकती थी ना, ये कौन सा तरीका था मुझसे बात करने का? मैंने भी खुद रियलाइज किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, कितना गलत रिएक्ट किया मैंने। मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन फीलिंग्स नहीं। अब देखो मैंने बाहर तुम्हारे लिए सबके सामने क्या क्या बोला, कितनी तारीफ की, जो भी मेरे दिल में था सब बोला। अब प्लीज वो सोचते मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। और आगे से ना कभी तुम पे नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं। और क्या करूं नीति, मेरी कुछ तारीफ करो, कुछ अच्छा अच्छा बोलो तो माफी मिलेगी। नीति तुम भी ना, तुम्हारे लिए तो मैं पूरे दिन तारीफ कर सकता हूँ। तो सुनो, तुम मेरी जिंदगी की वो खुशी हो जिसको मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। तो पता है जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो ऐसा लगता है कि सारी खुशियां मेरे साथ है। सच्चा मुझे किसी शायर वायर से कम नहीं। वो तो है, हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा देते हो। आज बातों में नहीं, बाहों में लेके। बाहों में लेके क्या? किस? संजू, नो वे। आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं जाने दूंगा। पर मैं तो नहीं दूंगी तुम्हें किस। आज हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। संजू नीति, नो। यस संजू, देखो प्लीज लीव मी। हाँ परी, हाँ मैं आ रही। परी मुझे मिस कर रही है, तो ये किस पेंडिंग, जल्दी आ जाना, मैं जा रही। ये परी परी नहीं, कल मैं अटकी हड्डी हो गई, कुछ करना पड़ेगा इसका। किसका फोन है? हीरे का कॉल। पापा जी, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। जब जब मेरा कुछ अच्छा होना होता है हीरे तपक पड़ते हैं। आज मैंने सोच लिया, आज मैं इनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ हीरे। हाँ मोंटी, मोंटी कहाँ है तू? मैं बस कुछ काम से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ।
यार मॉन्टी, मुझे ना तेरी बहुत हेल्प चाहिए यार। मैंने बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम फंस गया भाई। फिर मैं आज आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता। आज आज समझ लीजिए मैं खुद हेल्पलेस हूँ। हाँ, आपके दो दो बीवियों के चक्कर में ना मेरी एक नहीं पट रही। मॉन्टी ऐसे मत बोल भाई, अगर तूने आज हेल्प नहीं किया ना तो ये दोनों मेरा भरता बना देंगे यार। क्यों वीरे, ऐसा क्या हो गया? अरे यार, मैंने तुझे बताया था ना कि मैं परी को झूठ बोल के नीति के साथ संगीत में जा रहा हूँ, और सेम संगीत में ना परी मेरा पीछा करते हुए पहुंच गई यार। मतलब आपका भांडा फूट गया? नहीं नहीं नहीं, भांडा भी फूटा नहीं है। वो एक्चुअली यहाँ पे ना एक थीम पार्टी चल रही है तो फेस कवर्ड है, बट यार किसी भी टाइम ना मास्क कट गया तो भांडा फूट जाएगा भाई। सोचना कुछ 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 पता है यार मॉन्टी, तेरी हेल्प चाहिए मुझे। वीरे लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं अभी आपकी हेल्प कैसे करूं? यार मॉन्टी कुछ भी सोच यार, तू हर बार मेरी हेल्प करता है, इस बार भी करना प्लीज यार। अच्छा वीरे सुनिए, आप लास्ट टाइम ऐसे सिचुएशन में कब फंसे थे? लास्ट टाइम मेरी शादी में, जब वो दोनों एक साथ ही जैसे आ जाए। ओके, और फिर कैसे सब ठीक हुआ? यार उस दिन तो लकीली अजय। एग्जैक्टली, मिल गया सोल्यूशन वीरे, समझ लो आपका काम हो गया। थैंक यू मॉन्टी, हर बार मुझे बचा लेता भाई। थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। पर हाँ वीरे, याद रखना वरदान भी भगवान एक दो ही देते हैं। आपने जो इतने सारे कांड कर रखे हैं ना, तो उसे मैनेज करने के लिए आपको हर दिन 5-10 वरदान दिए होंगे। अब कहाँ से लाओगे आप इतने सारे वरदान? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके तीन पहियों वाली शादी को ना दो पहियों पे ले आओ। हाँ हाँ, करता हूँ करता हूँ। चल ठीक है, बात बात करता हूँ भाई। ओके बाय। चल अच्छा है सारा काम फोन पे हो गया, वरना ये तो मेरा काम तमाम ही कर देते। संजू यहाँ बाहर, पर अभी तो नीति के साथ था, फिर यहाँ क्या करने आया है? लेकिन ये ऐसे पीछे की तरफ से क्यों जा रहा है? देखती हूँ।